लेकिन अब हम आपको यह भी बताएंगे कि व्लादिमीर पुतिन अपने आप को इस बीमारी से बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। वैसे उन्हें हमारी राय की जरूरत नहीं है, उनके पास दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों की टीम होगी और वो दुनिया का बेहतरीन इलाज ले सकते हैं। लेकिन इस सब से आप क्या सीख सकते हैं? इस समय पूरी दुनिया में करीब 1 करोड़ लोग पार्किंसन से पीड़ित हैं। ये बीमारी तब होती है जब मस्तिष्क में मौजूद नर्व सेल्स यानी कोशिकाएं मरने लगती हैं, और ये तब होता है जब शरीर में डोपामाइन नामक एक रसायन की कमी होने लगती है और दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स की संख्या घटने लगती है। इसके लक्षण हैं हाथों और पैरों में कंपन, शरीर की मूवमेंट में गिरावट, मांसपेशियों का लचीलापन खत्म होना, शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है, बोलने में परेशानी होने लगती है और लिखना भी मुश्किल हो जाता है। इस बीमारी के दूसरे चरण में मस्तिष्क की सोचने समझने की क्षमता कम होने लगती है, लेकिन ये दूसरे चरण में होता है और कई बार याददाश्त भी जा सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर केस में याददाश्त चली ही जाए। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। सोचिए कैसी बीमारी है, कोई इलाज नहीं है, लेकिन फिजियोथेरेपी और कुछ दवाओं के जरिए इसे कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है, इसे स्लो किया जा सकता है। इसलिए आप सबको भी हमारी राय यह है, ये बीमारी बहुत खराब बीमारी है, इसके बारे में हमेशा आप सतर्क रहिए, और अगर आप में से किसी को भी इस तरह के लक्षण मिलते हैं अपने शरीर में तो जरूर अपनी जांच जल्दी से जल्दी आपको करवानी चाहिए। पुतिन की जो छवि है वो एक बड़े फिट और स्वस्थ नेता की है, और हो सकता है कि उनकी फिटनेस इस बीमारी से लड़ने में उनके काफी काम आए, क्योंकि उन्होंने जीवन भर अपने शरीर पर भी बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत व्यायाम किया है, और वो दुनिया के सबसे फिट और स्वस्थ नेताओं में से एक हैं। लेकिन आमतौर पर इस बीमारी का पता लगने के बाद व्यक्ति 10 से 20 वर्ष तक ही जीवित रह पाता है, यानी लगभग उतना ही जितना पुतिन राष्ट्रपति पद पर बने रहना चाहते हैं। हालांकि पुतिन के एक हाथ में मूवमेंट ना होने का जो दावा किया जा रहा है उसका संबंध उनकी केजीबी की ट्रेनिंग से भी हो सकता है। आप सब जानते हैं पुतिन ने केजीबी में काम किया है, वो केजीबी के एजेंट रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि इस ट्रेनिंग के दौरान, यानी जब वो केजीबी में काम करते थे जो कि रशिया की सीक्रेट सर्विस है, इस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें सिखाया गया था कि जिस जेब में आप अपनी गन रखते हैं उस तरफ के हाथ को चलते हुए तेजी से नहीं हिलाना चाहिए। खबरों के मुताबिक अब पुतिन जल्द ही रशिया के नए प्रधानमंत्री की घोषणा कर सकते हैं और उन्हें पुतिन स्टाइल की राजनीति के लिए तैयार कर सकते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.